एम ए फाइनल पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ पेपर के स्टूडेंट्स। इस पेपर के अंतर्गत पिछले लेक्चर्स में हमने यूनिट सेकंड में टॉपिक स्टार्ट किया था व्यवहारवाद, जिसमें हमने व्यवहारवाद का अर्थ, इसकी विशेषताएं, इसके स्वरूप के बारे में अध्ययन किया था। और हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में कि ईस्टर्न के अकॉर्डिंग व्यवहारवाद क्या है, और उन्होंने जो इसकी खास विशेषताएं बताई हैं वो हमने पढ़ी थी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है व्यवहारवाद का मूल्यांकन। व्यवहारवादी उपागम का जो हमने अध्ययन किया, किर्कपैट्रिक, डेविड ईस्टर्न इत्यादि विचारकों के अनुसार, उसमें बहुत सी कमियां हैं और बहुत सारे उसके आलोचना विभिन्न प्रकार से विभिन्न विचारकों के द्वारा की गई है। जब हम इसका मूल्यांकन करते हैं, एवोल्यूशन करते हैं, तो इसके दोनों ही पक्षों का अध्ययन हमें करना आवश्यक हो जाता है। आलोचना भी हम इसकी देखेंगे और इस उपागम का दृष्टिकोण का महत्व क्या है हमारे विषय के लिए, ये भी हम इस मूल्यांकन के अंतर्गत इसमें चर्चा करेंगे। व्यवहारवाद की सर्वप्रथम हम देखेंगे कि विभिन्न आधारों पर आलोचना की गई है, इसमें बहुत सी कमियां बताई गई हैं, जो डेविड ईस्टर्न ने जो दृष्टिकोण दिया और अन्य विचारकों ने जो इसको इसकी व्याख्या की, उसमें एक तो जो बहुत बड़ी कमी और आलोचना का विषय रहा वो ये कि ये बहुत ही अत्यधिक शब्द आडंबर से भरपूर है, अपरिचित शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें निरर्थक दलीलें देते हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर एसपी वर्मा का मानना है कि तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और वर्ड शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है, तो इसलिए इसको बहुत अधिक भ्रमित करने वाले शब्दावली वाला दृष्टिकोण माना जाता है। दूसरी इसकी जो आलोचना है वो ये की जाती है कि राजनीतिक व्यवहार की धारणा ही गलत है। व्यवहारवादी मानव व्यवहार के अध्ययन पर बल देते हैं, लेकिन मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में यह दृष्टिकोण असमर्थ रहा है। सिर्फ मानव व्यवहार के सामान्य नियम ही खोजता रहा है और आलोचक इन्हें सामान्य नियम खोजने वाला एक दृष्टिकोण ज्यादा मानते हैं और वास्तविकता से ये भ्रमित हो जाता है। तीसरी जो आलोचना की गई है वो ये कि राजनीतिक विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं हो सकता। प्राकृतिक विज्ञान की भांति हम राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं बना सकते। राजनीतिक विज्ञान अत्यधिक जटिल है, परिवर्तनशील विषय है और इसमें विशुद्ध विज्ञान की भांति न तो मापन हो सकता है और न सत्यापन किया जा सकता है। कॉल पॉपर ने भी माना है कि राजनीतिक वैज्ञानिकों की भविष्यवाणियां अगर मगर की स्थिति से आगे नहीं जा सकती। एक और जो आलोचना की गई है वो ये कि पद्धतियों पर अत्यधिक बल देता है व्यवहारवाद और नई नई जो पद्धतियां हैं उस पर इसने जोर दिया और उसी पर अधिक से अधिक इसने प्रयोग करने पर बल दिया, लेकिन पद्धतियों के प्रयोग के कारण जो राजनीतिक घटनाएं हैं और राजनीतिक समस्याएं हैं उनके मूल जड़ तक पहुंचना फिर भी संभव नहीं हो सका और इसके आधार पर इस तरह का सत्यापन और मापन करना संभव नहीं है, ऐसा आलोचक मानते हैं। एक आलोचना ये भी की जाती है कि मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है, जबकि व्यवहारवादियों ने मूल्य निरपेक्षता पर जोर दिया है और व्यक्तिगत मूल्य कहीं ना कहीं निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि विषय मानव और मानवीय व्यवहार से संबंधित है, इसलिए इस तरह का जो अध्ययन है वो किया ही नहीं जा सकता, ऐसा आलोचकों का मानना है। एक ये भी आलोचना की गई है कि अत्यधिक खर्चीली पद्धति है, क्योंकि अमेरिका जैसे देशों में जो संपन्न और विकसित देश हैं वहां पर करोड़ों डॉलर खर्च करके इस तरह की अध्ययन पद्धतियों के आधार पर अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो
विकासशील पिछड़े देश हैं वो इस तरह का अध्ययन करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि जो भी इस पे पद्धतियां अपनाई जाती हैं उसमें समय और धन अत्यधिक लगता है। अन्य पद्धतियों के महत्व को इसने नकार दिया है, जो पूर्व में प्रचलित थी हमारे विषय में, वर्णनात्मक ऐतिहासिक पद्धतियां जो आवश्यक है हमारे विषय के लिए, लेकिन व्यवहारवाद में इन सभी जो पूर्व में प्रचलित पद्धतियां थी उनको नहीं अपनाया जाता, जिसकी वजह से हमारे विषय का ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो हमारा विषय जहाँ क्या पर निर्भर करता है उसके साथ साथ क्या हो चुका भी पढ़ना आवश्यक है और क्या होना चाहिए वो भी आवश्यक है। तो भूत और वर्तमान और भविष्य तीनों ही कालों का अध्ययन आवश्यक है, इसलिए जो अन्य पद्धतियां हैं उनका प्रयोग भी आवश्यक है, जबकि व्यवहारवाद इसको नकारता है और आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। एक आलोचना ये भी की जाती है कि सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्षों को वृहद स्तर पर लागू करना गलत है। सैम्पलिंग मेथड और अन्य प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग व्यवहारवादियों ने किया है उसके द्वारा जो सूक्ष्म अध्ययन है कुछ लोगों पर किए गए अध्ययन को संपूर्ण समाज पर लागू करने का प्रयास व्यवहारवादियों ने किया, जिसे वृहद स्तर पर लागू करने का काम किया गया, और ये उचित नहीं है क्योंकि वो निष्कर्ष गलत हो सकते हैं। और आलोचक मानते हैं कि इस तरह के सूक्ष्म अध्ययन को वृहद स्तर पर लागू करना नहीं चाहिए और वो सही नहीं हो सकता। नीति निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में भी अगर देखें तो इसमें तथ्य को कोई योगदान नहीं देते, केवल तथ्यों से अध्ययन नहीं करना आवश्यक है बल्कि नैतिक तत्वों को भी राजनीति के साथ जोड़ना आवश्यक होता है। लेकिन व्यवहारवादियों ने नीति निर्धारण पर बल नहीं देते हुए केवल तथ्य परक अध्ययन पर ही बल दिया है, जो कि उचित नहीं है और उससे भी हमारा ज्ञान अपूर्ण रह जाता है। इसके साथ ही एक आलोचना ये भी है कि संख्यात्मक पद्धति से मानवीय स्वभाव का मापन नहीं किया जा सकता। जो प्योर साइंसेज हैं विशुद्ध विज्ञान उसमें ये संख्यात्मक पद्धति सही हो सकती है, लेकिन राजनीति विज्ञान में मानव स्वभाव मानवीय व्यवहार इतना जटिल है कि उसके राजनीतिक अध्ययन में संख्यात्मक पद्धतियों को अपनाना और उसके द्वारा सत्यापन मापन करना संभव नहीं हो सकता। तो इन विभिन्न आधारों पर आलोचकों ने इसको सही नहीं माना है और व्यवहारवाद में कई कमियां बताते हुए इसकी घोर आलोचना की है। लेकिन इसके बावजूद भी व्यवहारवादी उपागम का जो महत्व है वो कम नहीं होता, इसकी उपयोगिता है और राजनीति विज्ञान पर इसका अत्यधिक प्रभाव रहा है और अभी भी चल रहा है। राजनीति विज्ञान को व्यवहारवाद के कारण ही नवीन राजनीतिक रूप मिला, नया रूप प्राप्त हुआ और राजनीति शास्त्र को सामाजिक इंजीनियरिंग प्रदान की। मात्र उपागम या दृष्टिकोण ये नहीं है व्यवहारवाद, बल्कि इसने विषय वस्तु को एक नवीन रूप देने का कार्य किया है। इस व्यवहारवाद के कारण नए मूल्य और नई भाषा और नई अध्ययन पद्धतियां और अनुभवात्मक वैज्ञानिकता राजनीति विज्ञान को प्राप्त हुई है। इसने राजनीति विज्ञान को अधिक व्यापक बनाने का कार्य किया है, इससे व्यापक दृष्टिकोण विकसित हुआ है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है, जिसके साथ समाज विज्ञान के अन्य विषयों को राजनीति विज्ञान से के साथ जोड़कर अध्ययन किया जा सकता है। इसके साथ ही राजनीतिक दर्शन की जगह विषय के अध्ययन को इसने व्यवहारिक और यथार्थ परक बनाने का काम किया। क्या होना चाहिए इस पर अधिक पहले अध्ययन किया जाता था, लेकिन उसकी जगह क्या है इस पर आधारित अध्ययन पर जोर दिया जाने लगा। इसके साथ ही वैज्ञानिक और नवीन अध्ययन पद्धतियों पर बल दिया, जिसमें साक्षात्कार, प्रश्नावली, समाजमिति ऐसे कई जो
सैम्पलिंग मेथड जैसे नए वैज्ञानिक और नवीन अध्ययन पद्धतियां इनका प्रयोग किया जाने लगा। और कुछ ऐसे विषय हैं जिस पर इन व्यवहारवादी इन तरीकों के आधार पर अध्ययन करना आसान हो जाता है और उसकी व्याख्या ठीक प्रकार की जा सकती है, जैसे मतदान व्यवहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अध्ययन। ये व्यवहारवाद के द्वारा बहुत ही सटीक और व्यवस्थित रूप से किया जा सकता है। तो इसलिए जहां व्यवहारवाद में कमियां हैं आलोचना की जाती है, उसके साथ ही इसका विभिन्न कई आधारों पर महत्व भी देखा जा सकता है। व्यवहारवाद की अपनी कुछ सीमाएं हैं जिसको कुछ विचारकों ने व्याख्या की है, जिसमें प्रमुख हैं हीज, युलाऊ, सिबली, मिहान। इन्होंने कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में ही इसे संभव माना है। हीज युलाऊ ने अपने लेख सेगमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसमें उन्होंने व्यवहारवाद को अध्ययन योग्य माना है, लेकिन उन्होंने कुछ नियंत्रित परिस्थितियों में इसे उपयोगी माना है। सिबली ने भी इसकी कुछ सीमाएं बताई हैं कि एक तो मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं है, इसमें जो राजनीतिक अध्ययन है उसमें मानव व्यवहार की व्याख्या नियंत्रित परिस्थितियों में ही संभव है। भविष्य में मानव व्यवहार का पता समान परिस्थितियों में ही हो सकता है। समान अवधारणाओं को प्राप्त करना कठिन है जो कि पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षित दोनों के लिए अर्थपूर्ण हो। कभी कभी व्यवहारवादी अध्ययन की अवधारणा से ऐसी अध्ययन अवधारणाएं विकसित करते हैं जिन्हें व्यवहारवादी तरीके से प्राप्त नहीं किया जा सकता। नीति निर्माण में भी व्यवहारवाद का उपयोग सीमित है। परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, मानवीय व्यवहार बदलते रहते हैं, इसलिए अंतिम जो निष्कर्ष है वो निकालना भी संभव नहीं है। गंभीर समस्याओं को इसके द्वारा हल नहीं किया जा सकता और उसमें व्यवहारवादी कल्पनावादी बन सकते हैं और वास्तविक समस्याओं से व्यवहारवादी दूर रहे। तो सिबली का ये मानना है कि व्यवहारिक, वैज्ञानिक और विशुद्ध दृष्टिकोण प्राथमिक मूल्यों और इतिहास के विज्ञानेतर निर्णयों के द्वारा शोधित किया जाना चाहिए, अर्थात क्या हो सकता है के अलावा क्या हो चुका है और क्या संभव है, ये सभी जानना आवश्यक है। इसी तरह मिहान का ये मानना था कि हम समस्त साधनों के द्वारा अनुभववादी ज्ञान को प्राप्त करें किंतु उसे पूज्य न बना दें। तो इसलिए ये तीनों ही विचारकों का अगर हम सार देखें तो इनका ये मानना है कि व्यवहारवाद काफी उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, लेकिन हर विषय, हर परिस्थिति का ज्ञान व्यवहारवाद के द्वारा ही संभव नहीं है। राजनीतिक परिस्थितियों में कुछ जो नियंत्रित परिस्थितियां हैं, कुछ लिमिटेड जो परिस्थितियां हैं, उसके अंतर्गत रह के ही व्यवहारवादी आधार पर अध्ययन किया जाना संभव हो सकता है।